नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो विभिन्न पदों पर जो है वो सरकारी नौकरी जो है निकली है। तो किन पदों पर जो है भर्ती निकली है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 9 अप्रैल 2020 है। तो इससे पहले जो जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे वो जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। तो चलिए वीडियो को जो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा, आप वहाँ से जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर ये वैकेंसी निकली है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये आई आई है, ये रिक्वायरमेंट निकली है, स्टाफ रिक्वायरमेंट सेक्शन 18 मार्च 2020 को जो है ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 19 मार्च से भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 9 अप्रैल लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मंडी हिमाचल प्रदेश इनवाइट्स द एप्लीकेशन फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्योरली टेम्परेरी। डिटेल्स और पोस्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिफिकेशन इट्स आर गिवन बिलो। तो देख सकते हैं आप, नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर हॉर्टिकल्चर, पे स्केल रहेगा इसका 50,000 से 60,000, एज लिमिट है 40, और मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट इंटरव्यू से जो है ये पद भरा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 ईयर का है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है ये। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर की नेम ऑफ पोस्ट, 35 से 40 हज़ार जो है इसका पे स्केल रहने वाला है। उसके बाद जो है एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है, इंटरव्यू से जो है इसकी भर्ती होगी, 1 ईयर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है इसका भी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस, तो 24,000 से 28,000 इसका पे स्केल है और 40 एज लिमिट है, और टेस्ट एंड इंटरव्यू से जो है इसका भर्ती होगी, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है इसका। तो लास्ट डेट जो रहेगी इसकी 9 अप्रैल 2020 से 5 बजे तक जो है फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, उसके बाद जो है वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर हॉर्टिकल्चर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है BSc BTech डिग्री इक्वलमेंट इन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 8 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी इंक्लूडिंग नर्सरी मैनेजमेंट एंड लैंडस्केपिंग। तो इसमें जो है 8 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस मांगा है। और उसके बाद जो है सेकंड पोस्ट है जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर, इसमें भी BSc BTech और इक्वायरमेंट हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम जो है यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा है। उसके बाद तीसरी जो पोस्ट थी वो थी असिस्टेंट मैनेजर की, इसके लिए मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव या होटल मैनेजमेंट टूरिज्म मैनेजमेंट ऑफ इक्वायरमेंट विद 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस, 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस मांगा है, और साथ में मास्टर डिग्री या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होटल मैनेजमेंट टूरिज्म मैनेजमेंट में जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं कि द पोस्ट आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्योरली टेम्परेरी एट IIT मंडी एट कमांड HP। लास्ट डेट जो रहेगी इसकी 9 अप्रैल 2020। उसके बाद जो है देख सकते हैं आप, उसके बाद बताया है यहाँ पे कि द एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो 100 रुपीज़ वो फीस रहने वाली है। नेम ऑफ बैंक स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया SBI IIT कमांड मंडी HP 17 50 75, टेलीफोन नंबर है 01905 26 70 93, अकाउंट नंबर दिया गया है, IFS कोड दिया गया है, इस जो एड्रेस पे जो है आपको फीस सबमिट करवानी है। उसके बाद जो है यही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी, 3 पेज की ये नोटिफिकेशन है। तो आप जो है जो जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
ऑनलाइन जो है अप्लाई इसके लिए, जो वेबसाइट रहने वाली है वो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, www.iitmandi.ac.in पर जाके जो है आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी वहीं से कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों ये थी नोटिफिकेशन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।